इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS MSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया है। क्या है नोटिस उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या नोटिस जारी किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन्होंने नोटिस जो जारी किया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 1 क्रमांक 2094 दिनांक 13 फरवरी 2024 के द्वारा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा, यानी कि एग्जाम शेड्यूल को लेकर इन्होंने नोटिस जारी किया है। अब ये क्या पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपके 13 फरवरी से शुरू किए गए थे और इसी को लेकर इन्होंने नोटिस जारी किया कि इसका अब जो एग्ज़ाम है वो आपके 7 सितंबर को आयोजित किया जाएगा और इसका जो समय है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है, यानी कि पेपर का टाइम है आपका 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि इसमें आपके जो छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक विभाग में जिस तरह से आपको पेपर कंप्यूटर में दिखाई दे रहा और उसमें OMR शीट में आपको गोले भरने हैं इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको पेपर भी मिलेगा और आपको गोले भी OMR शीट में भरने हैं जो हर भर्ती परीक्षा में होता है उसी तरह, क्योंकि कंप्यूटर को लेकर इन्होंने कुछ भी यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है। अगर लिखते तो ज़रूर होता लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, इसलिए पेपर आपका नॉर्मली होगा। और आप संशोधित कैलेंडर भी देख सकते हो, उसमें भी महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा के मोड ऑफ एग्जाम में कुछ नहीं लिखा और जब कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। आगे लिखा अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा कि आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, यानी कि जो बोर्ड ने जब ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था तो उसमें जो शैक्षणिक योग्यता पूछी है क्या वो आप में है या नहीं है, अगर है तो ये आप एग्जाम दें। 2 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 गोले दिए जाएंगे, पहले 4 गोले ABCD उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां गोला अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा, यानी कि इस परीक्षा में भी अब आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 ऑप्शन होंगे ABCD वो तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और जो 5वां ऑप्शन होगा वो अनुत्तरित प्रश्न का होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल 1 गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो वो 5 गोले को गहरा करना होगा, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो जो ABCD में जो सही है वो आपको करेक्ट करना है और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को खाली ना छोड़े बल्कि आप 5वां ऑप्शन जो दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न का उसे गोला कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है यदि 5ों विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला नहीं किया गया है तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अगर आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 1 भी गोला नहीं भरा है तो आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 10% यानी कि मान लीजिए पेपर में आपके 150 क्वेश्चन है, इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। अगर आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 1 भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में आयोजित 7वां एग्जाम में उन्होंने बहुत स्टूडेंट को रिजेक्ट भी किया था। कारण यही था कि उन्होंने क्वेश्चन नंबरों की संख्या से 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें कोई भी गोला नहीं भरा था। तो आप ध्यान दीजिए एग्जाम में आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जिसमें गोला ना भरा हो। अगर आपकी ये संख्या 15 से कम रहती है तो आपके पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आप ई ऑप्शन भरिए जिससे ना आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा और नहीं फालतू के आपके नंबर भी कट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई विकल्प भरा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा,
यानी कि जो एग्ज़ाम टाइम दे रखा है 10 बजे से लेकर 1 बजे, इस समय तो आपका एग्ज़ाम होगा। 1 बजे के बाद आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, इसलिए कि आप OMR शीट चेक कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में गोले भरे हैं या नहीं ये सुनिश्चित कर लीजिए, और अगर नहीं भरे हैं तो उस समय आप सीधा पांचों ऑप्शन ही भरिए, वही बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप क्वेश्चन के चक्कर में पड़ोगे और फिर आपको लास्ट में पता चले कि 15 से ज़्यादा पेपर अच्छा हुआ लेकिन 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो खाली छोड़ दिए, तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथासमय सूचित कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएंगे, यानी कि इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, वो कब से डाउनलोड करने हैं, इसको लेकर बोर्ड अलग से आपको नोटिस जारी कर देगा। और अगर आप वेबसाइट ना देख पाओ तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महिला प्रेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्र और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाए, यानी कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलती है किसी भी एग्जाम को लेकर, तो उसमें आप भरोसा ना करें, बोर्ड की वेबसाइट ही देखते रहें या फिर राज्य स्तरीय जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं उनका अवलोकन करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट में चेतावनी दे रखी है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे में नहीं आवे। परीक्षा के समय में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग या अनियमित गतिविधियों की धारा में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अधुपाय अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के भी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित DBAR भी किया जाएगा। तो ये तो आपके लिए चेतावनी थी। तो आपका टोटली बात करें तो आपके इसमें मेन जो चीज़ यही बताई गई है कि एडमिट कार्ड के लिए आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर आपके 7 सितंबर को होगा, जिसका टाइम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का है, और 10 मिनट का अतिरिक्त समय आपको पांचों ऑप्शन को लेकर भी दिया जाएगा। और महिला परीक्षा का रिजल्ट भी जब भी जारी होगा सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उसकी कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, कैसे यू लेना है, सभी की सूचना आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए।